हमने सुबह जो है वो चले जाना है। क्या करना है जब फुल बादल हो, बरस रहे हो और फुल बिल्कुल धुंध हो ना, हाँ। तो फिर आपने ये करना है कि आपने यहाँ सोना है बाहर, हाँ। रात को, हाँ। ट्राली जो है ना गन्ने की फंस गई थी यहाँ पे, तो माशाल्लाह जी निकल गई है। चार ट्रैक्टर थे लेकिन दो ने काम दिखा दिया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं हमें जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं और हमारी दुआएं हमें कबूल हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसी दुआ के साथ करते हैं आज के वीडियो का आगाज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे क्या हमने आपको बताया था कि दोपहर को हमने कल के सुबह हमने बनाया था साग, और साग से लग गया तो दोपहर को भी वही खा लिया था, तो अभी शाम का भी वही पड़ा है, तो आज हमने सालानी बनाना, तो वही दोपहर सुबह का हम खाएंगे साग। और इनसे पूछते हैं कि ये आज कहाँ की तैयारी कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक ही मजे ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से, हम भी ठीक हैं। और दुआ है देखने वाले जहाँ भी रहे खुश हैं, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। बिल्कुल मेरी तरह जैसा मैं आज बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, इतना हैप्पी हूँ कि मुझे खुद को नहीं पता मैं कितना हैप्पी हूँ। क्यों? तो मैं जा रहा हूँ ना कहीं पे बाहर, तो फिर बंदे को खुशी आती है कि बाहर जो है ना बंदा इधर उधर घूमता फिरता है और बंदे का जहन जो है फ्रेश होता है और दिल खुश होता है, थोड़ा सा हैप्पी सा होता है। तो मैंने कहा इसलिए अपनी खुशी का इजहार अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के साथ भी कर दूं। तो आज ये भी बहुत ज्यादा हैप्पी है क्योंकि इन्होंने आज सालन वगैरह कुछ भी नहीं बनाना, साग बनाना है बल्कि 15-20 दिन के लिए हैप्पी ही रहेंगी, क्योंकि जब घर में साग पकता है तो 15-20 दिन वो खाया जाता है। हमने थोड़ा सा बनाया है, कल खत्म हो जाएगा शाम को। ऐसे तो फिर ना किया करो ना, ये तो फिर जाती है। हाँ, शाम को खत्म हो जाएगा, हमने थोड़ा सा बनाया था। हमारे दौर में जब साग बनता था ना पूरा महीना खाते थे, ऐसा समझ। अच्छा। फिर बंदे के जो कपड़े पहने होते थे ना बंदे ने, वो भी सब्ज हो जाते थे, पता है आपको? कपड़े सब्ज, बाल सब्ज, मुंह सब्ज, हाथ पांव सब्ज ही सब्ज। साग खाने का ये फायदा होता है। नहीं, हमने ना थोड़ा सा बनाया क्योंकि आपको पता है गर्म होता है साग बहुत ज्यादा, तो इस वजह से ना पहले तो मैं इतनी गर्म गोलियां खा चुकी हूँ इतने मंथ, तो अभी जैसे भी कोई गर्म चीज़ खा लेती हूँ ना तो फिर जो है सांस घुटना शुरू हो जाती है, दम घुटना शुरू हो जाता है गर्मी की वजह से, तो गर्मी हो जाती है। इस वजह से कोशिश करती हूँ कि सर्दियों में है तो सही, गर्म तो है लेकिन काफ़ी गर्म है मेरे लिए ज़्यादातर, तो अभी इसको भी बाहर फेंकते हैं। सुबह हमने इसके साग बनाया था, इधर हमारी मानो भी आ गई है। जब सर्दियों आ जाएंगी फिर आपने पता क्या करना है, सर्दियों में आपने पता क्या करना है, जब फुल बादल हो, बरस रहे हो और फुल बिल्कुल धुंध हो ना, हाँ। तो फिर आपने ये करना है कि आपने यहाँ सोना है बाहर, हाँ। रात को, हाँ जी। और रजाई वगैरह कुछ नहीं पहनना, फिर आप ठंडी हो जाओगी। ये कौन सी क्या कर रहा है? अभी गिरना था इसमें, हाँ? अभी गिरने लगा था ये चले बात कर रही है ना, पता है स्कूल से सीख लिया ना, स्कूल से मैंने सीख किया था। पता है क्या कह रहा है? कहते हैं पापा मेरा नाम आफ्ताब रखो। नहीं, आपके स्कूल में आफ्ताब पढ़ता है, फिर सबका नाम आफ्ताब रख दे। अच्छा, सलाम करो और हम बस आपका नाम है ठीक है। नहीं, अरहम के दो नाम है, पता है कौन कौन से? एक तो इसका नाम मोहम्मद अरहम है ना, दूसरा इसका नाम है वलद या वलद। नहीं, क्या मतलब? एक है अरहम, मोहम्मद अरहम, हाँ। एक है हमार, एक हमार कौन कहता है? हमार तो आपको अम्मी कहती है, अम्मी और अब्बू कहते हैं ना। अरहम और अरहम तो इसका नाम है ना, और वलद हम इसको वैसे भी मैं कभी कभार कहता हूँ, तो
जो अरबी में इसको कहते हैं वलद का नाम मतलब होता है अरबी में बेटे, तो मैं इसको कहता हूँ बेटा, मतलब वलद बेटा इधर आओ, वलद इधर आओ, बेटे इधर आओ, इसका मतलब चले आप ना वो ऐसे करो, दाने ले जाओ चक्की पे डालने हैं, आटा चुके हमारा शाम का पड़ा हुआ है, आओ मैं आपको बैकअप कर दूँ। आप कमेंटों में इसको आपने बताना है ये ऐसे करता है, सुबह भी इसने ऐसे किया था मेरे साथ, आटा आटा जब कह रहा था कि ये मांग के ले आए, क्या मैं मजाक कर रहा था बस, वीडियो में होती तो ये खिचकी छी है वाला है पता है। हाँ तो फिर मैं भी कर लेता हूँ मेकअप, इसमें क्या है इसके काम चेक करो हैं। दाने वगैरह जो है ना वो आज पिसवाने हैं हमने, तो आप डाल लो, वो दाने पड़े हुए हैं ये वाले, ये हाफ है थैला, इसमें से मैंने पहले भी निकाले थे, आप इधर से निकाल लो दाने, हाफ निकाल लो मतलब यहाँ तक निकाल लो इसको, 15-20 किलो हो जाएंगे, वो मैं जाता हूँ पिसवा आता हूँ, फिर मिलेंगे कल, आज नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा आटा आटा ले लेकर फिर वहां पे दाने खत्म हो जाते हैं। इनको मैंने कहा हुआ भी है कि जब 2 दिन के दाने आटा पड़ा हुआ हो ना, 1 दिन का पड़ा हुआ हो, 1 दिन पहले कहा करें ताकि 1 दिन उनको पिसने में भी लग जाता है, लेकिन अब इन्होंने ऐन मौके बताया जब दाने आटा खत्म हो गया तब इन्होंने बताया कि आटा खत्म हो गया है, ये तो फिर मेरे साथ भी जाती है ना, अब मैं जाऊँगा वो पता नहीं क्या कहते हैं, अभी देते हैं या नहीं देते, कोशिश तो करूँगा उनको कहूँगा कि अभी दें, क्योंकि शाम के टाइम ना वो चक्की जो है वो चलाते हैं, तो कोशिश करेंगे उनको कहेंगे कि आज जो है ना वो अभी हमें पीस दे, मैं खड़ा हो जाऊंगा वहां पे कुछ देर 10-15 मिनट 20 मिनट, तो पिसवा के फिर ले आऊंगा आटा। ट्राली जो है ना गन्ने की फंस गई थी यहाँ पे, तो माशाल्लाह जी निकल गई है, 4 ट्रैक्टर थे लेकिन 2 ने काम दिखा दिया, 4 का काम नहीं था, 2 ने ही खींच लिया इसको जी, ऐसे काम होते हैं जब ट्रालियाँ फंसती हैं ना फिर बड़ा मसला हो जाता है गन्नों का। अल्हम्दुलिल्लाह से जी आज हमारे दाने जो है वो टाइम से उन्होंने पीस लिए है, वरना काफ़ी मतलब देर लगा देते हैं, 1 दिन पूरा होता है। मैं साथ खड़ा हो गया था ना, मैंने कहा पीस दो मुझे, फिर उसने पीस दिया, फिर मैं लेके आ गया। चलिए अच्छी बात है, वैसे आटा बिल्कुल भी नहीं था, खत्म हो गया था, मैंने इसलिए मुझे पता था ना। हाँ जी और ठीक, अभी कितना प्यारा लग रहा है सूरज क्या, हाँ मेरा कद ही नहीं जा रहा थोड़ा सा नजर आ रहा है थोड़ा सा, हाँ बस अब ठीक है, मेरे पास ले आओ मैं दिखाता हूँ अपने प्यारे धंधे में, वो देखें ये चीज, चलो उतारो फिर, ये उतार लोगी हाँ, ख्याल करना डिग ना जाना इसके साथ ही, 25 किलो है, आधा मन से 5 किलो ज्यादा, हाँ क्या लाल रंग का देखा है, सूरज सूरज ये बाहर गया सूरज देखने के लिए घर से बाहर चला गया कहते लाल रंग का सूरज है, नहीं आप लोगों को ज्यादा गर्मी लगी हुई है, चलो उठो तखा हो जाओ उधर से, सर्दी में सो के आपको क्या लगेगी, बाकी सर्दी में सोए हुए हो गर्मी लगेगी, और आपको सर्दी तो लगेगी ना, चलो निकलो अंदर जाके सो जाओ, कॉपी क्यों फाड़ी है, ये सारी कॉपी का सत्यानाश करके रख दिया आपने। माशाल्लाह जी हमारा जो खाना है ना वो बन चुका है, ये तो लपोड़े लगा लगा कर खाना शुरू हो गई है माशाल्लाह, तो अभी मैं भी लपोड़ा लगाता हूँ एक साग के साथ और मैं भी खाना शुरू करता हूँ। हमारा ये देसी कल्चर है कि हम रोटी के ऊपर रख के ना खाते हैं, देखिए वो भाभी के काम देखिए वो भी रख के खा रही है, तो यहाँ पे समीना जो है ना ऊपर रोटी के ऊपर रख के ना सालन ये खा रही है, मुझे भी रख दो अभी रोटी के ऊपर इसने कहा कि घी लगा के मुझे दो, किसने आपने, फिर आपने आलू रोटी शुरू खाना शुरू हो गया घी के साथ, फिर इसे कहा आप सब रोटी को लगा लेना, अच्छा 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 नहीं लगता,
नहीं, सब रोटियों को जिसका दिल करता है वो लगाए ना, आप जिनका दिल नहीं करता वो भी लगा दे। नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपका दिल करता है फिर लगाए ना, मतलब मैं ये कह रहा हूँ। कौन ये समीना कहेगी? हाँ सही बात है। क्या खले नहीं कहा था मीठा आटा है नीचे, आटे के ऊपर बैठे हुए हो। ये देखें दीवार के ऊपर, यहाँ पे इन्होंने जलाया है और देखें दीवार पूरी काली हो गई है यहाँ पे। आपकी अम्मी ने जलाया है ना यहाँ पे चूल्हा रख के, आप जलाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जी सारी रोटियों को जो ना माशाल्लाह घी लगाया हुआ है, अभी खाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप साहब ने भी खानी है तो आप भी आ सकते हैं। और ये भी चूजा खाएगा, चूजे खाना है कि नहीं खाना आपने? हम यहाँ पे किचन में बैठ के सारे इकट्ठे जो है वो खा रहे हैं, और वो छुप के खा रही है नाया। जो रोटी खाने का सही तरीका होता है ना वो वही होता है जैसे वो बैठी थी, पता है आपको? सुन्नत तरीका वही है जो वो पाँव के बल बैठी थी। क्योंकि जब हम इस तरह बैठते हैं ना तो हमारे जो टांगे होती हैं ना वो खुल जाती हैं और पेट खुल जाता है। तो सुन्नत तरीका ये है कि पेट में जब थोड़ी सी गुंजाइश बाकी बचे तब खाना बस कर दें। तो इस तरीके से ना पाँव के बल बैठने से, अगर हम ऐसे बैठ के खाना खाते हैं ना ऐसे बैठ के, ये जो है ना घुटने हमारे ये पेट को लगते हैं, तो पेट जो है उसमें प्रेशर पड़ता है और खाना जो है ना वो पहले बंदा फुल हो जाता है। जब उठता है तो वो सुन्नत के मुताबिक ही पेट जो है ना उसमें जगह बच जाती है खाने की। तो यही कहते हैं कि पाँव के बल बैठ के खाना खाना सुन्नत तरीका है। हम तो बैठ के चौकड़ी मार के बैठते हैं जी, ताकि ऐसे ना हो कि पेट में कुछ जगह बच जाए और इसलिए फुल होके खाना खाते हैं। और हमारा कल्चर भी यही है, हम पूछते हैं अक्सर कि पेट भर के खाना खाया कि नहीं खाया। अगर बंदा कहते हैं हाँ मैंने पेट भर के खाना खा लिया, हालांकि ये तरीका नहीं होता खाना बन पे जो है ना पेट भर के खाने का। मैं भी बात करता रहा, किसी ने चुप नहीं की, मैं भी बात मैंने खत्म कर दी, सब चुप ही हो गए। ये भी बोलती रही उधर, अनाया भी बोलती रही। वीडियो जरूरी खराब करवानी होती है आपने? अभी नहीं बोले, वीडियो खत्म हो गई है। नहीं तो बोलना अभी आपने। अभी जी आंटी वालों के घर से दूध जो है मैं लेके आया हूँ, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, आपको पता है दूध मैंने लाजमी लेने के लिए जाना होता है। सुबह सब्जी बाहर जाती है फिर मुझसे नहीं जाया जाता। खाना खा के फौरन मैं भागा था, मैंने कहा जल्दी से जाऊं और अपना जो काम है ना वो मैं ख़त्म करके आऊं। अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है। तो सुबह हम जाएंगे और एक हमने काम करना है, बहुत ही अहम काम है, तो वो जो है वो करके आएंगे। वो काम ये है कि हमने कुछ दिन पहले जो है एक जो है ना दरबार पे गए थे और वहाँ पे हमने फातिहा भी पढ़ी थी और उसके बाद हमने अल्लाह पाक से दुआ की थी कि हमारी जो है एक हमारा मसला था, तो वो हमारा जो मसला है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने पूरा कर लिया। तो फिर जो है ना हमने मन्नत एक किस्म की होगी ना अल्लाह पाक से, कि हमने कहा अल्लाह पाक से दुआ की, हमने कहा कि अय अल्लाह पाक हम जो है ना हमारा ये काम जब हो जाए तो हम जो है इधर आकर दोबारा फातिहा भी पढ़ेंगे और यहाँ पे हम अल्लाह आपकी अल्लाह की रज़ा के लिए, मतलब आपके रज़ा के लिए अल्लाह यहाँ पर आकर हम अपने हस्ब तौफीक खैरात करेंगे और यहाँ बांट देंगे आपके नाम की, अल्लाह पाक के नाम की वहाँ पे बांट देंगे। तो वो हमने सुबह जाना है, तो वो कुछ सामान मैं लेके आ गया था और जो कुछ सामान है वो मैंने नहीं लिया था। तो मामू को भी मैंने रेडी कर लिया है, उन्होंने कहा था कि चलो ठीक है सुबह चलेंगे। ठीक हो गया फिर? हाँ
हाँ? फिर वो मैंने कहा था मेडिसिन लेने जाएंगे, फिर वो जब जाएंगे तो जाएंगे ना, आपका इरादा नहीं लग रहा जाने का? जाएंगे लेकिन अभी फिलहाल नहीं जाएंगे, फिलहाल जो है वो अल्लाह पाक के नाम की जो हमने खैरात देनी है वो दे के, अल्लाह पाक के नाम की बांट के, तो फिर जो है ना दूसरे काम, क्योंकि हमारे ऊपर एक कर्ज है अल्लाह पाक का, वो हम उतारेंगे फिर हम अगले काम पे चलेंगे। आई समझ? हाँ, भाभी को मुझे लगता है नींद आई हुई है, मेरे उबासियाँ दे रही है भाभी, तो सोना है तो आप भाभी सो जाएं, अगर बैठना है गपशप लगानी है तो लगाएं गपशप। तो देखे ना नहीं, बिना गपशप लगाना है आपने, गप है आपके पास? क्या मेरा गप होता है क्या निकाप है गप थोड़ी सी समीना को लगा दें, थोड़ी सी इधर बच्चों को भी लगाएं, थोड़ी थोड़ी गप। गप और शप होती है ना, शप फिर समीना लगाएगी हम सबको समीना के पास शप होगी, आपके पास गप है, उसके पास शप होगी। और हम, आपने सारी कॉपी बर्बाद कर दी है इसी तरह। आई समझ? सारे यार ये देखो समीना, आप इसको रोकते नहीं हुई, सारे वर्क के इसने काटे हुए हैं, ये देखो ये देखो, सारे पूरी कॉपी इस तरह ना काट दी है इसने, बेशरम ने। ये इसकी बुक जो दूसरी है ना, ये इस वजह से इसको ये कर रहा है। यार बेशक दूसरी बुक है लेकिन किताबें फाड़ना अच्छी बात है, मुझे ये वो बताओ। ना तस्वीर निकाल के ना, गधे की होगी ये, खरगोश की तस्वीर निकाल रहा है इसमें से। अभी रोक तो रही हूँ इसको, क्या करूँ फिर कैंची छीन लो, एक बुज्जा लगाओ इसको, ऐसे ही समझता है मैं खाता हूँ, मैं बस। फूत देखो, फूत बंदा क्या कहे अब इसको। हाँ दूध ले आया, फ्रिज में रख दिया है। ढक्कन खोल के रखा, ठीक है। फिर हमने सुबह जो है वो चले जाना है, क्योंकि हमने जो है वो उधर जाना है, और उससे पहले कि हम अभी चने जो है वो उसको भिगो के रख देते हैं, बर्तन वगैरह कोई ढूंढ लो। हाँ बस ठीक है, ये पतीला जो है वो ठीक है, चने किधर पड़े हुए हैं समीना? ये छोटा पतीला, बड़ा उठा लो। काफी है, नहीं, छोटा है, छोटा है ना, ये सही। इतने इतने चने छोटे थोड़ी हैं यार, 1 किलो मेरे ख्याल में, 1 किलो 1.5 किलो चने का है। क्या कहता है ये क्या कहता है रम? बाहर भिगो दो बस। हाँ मेरे ख्याल में अंदर पड़े होंगे, रखे तो अंदर थे इसमें। क्या हो, लड़ पड़ी है क्या? वो गिराएगा ये, दराज इसके ऊपर आएगी, बर्तनों वाली अलमारी के ऊपर चढ़ता है, फिर ऐसे ना वो ऊपर चढ़ता है ना, ऐसे ना हो कि फिर कभी ऊपर आ जाए इसके, इसको समझाया करो, ऐसे खींचता है ऊपर लटकता है। क्या हुआ है यार, ये लटकता है, मुझे डर है इसका चोट लग जाएगी कभी इसको। आई समझ? चने जो है वो भिगो दिए हैं, अभी देखें बिल्कुल बारीक बारीक हैं, जब ये सुबह भीग जाएंगे ना फिर ये मोटे मोटे हो जाएंगे, इतना इतना मोटे हो जाएंगे ये देखना। ये आ गया जी, कहीं पे भी रख दो, उस कमरे में, उस कमरे में, उस किचन में, जहां पे दिल करे रख दो। हाँ क्योंकि पानी ये चूसेंगे ना, मोटे हो जाएंगे फिर ये। चलो जैसे कारीगरों को पता, मुझे क्या पता है ना। तो अभी जी प्यार बहन भाई, इस व्लॉग का यहाँ पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, और बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दुआओं में भी याद रखिएगा, तब तक जी लाख खुश रहें आबाद में। और हम आपको चुप नहीं होता यार, ये क्या है यार? अल्लाह
अल्लाह हाफिज। आप उसकी वीडियो ना बनाओ बस, वो पता तो है ऐसा है, छोड़ दो। शोर क्यों करते हैं फिर? बनाया या उठाओ, नीचे से उठा लो इसको बाहर।